नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप देख सकते हो प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के 5094 पद खाली। तो दोस्तों, आप देख सकते हो पीटीआई भर्ती के 5094 पोस्ट खाली हैं। 43,000 की भर्ती में बीपीएड अभ्यर्थियों को मिली निराशा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो प्रदेश में 43,000 शिक्षकों की भर्ती में बीपीएड बेरोजगार युवाओं के नौकरी के अरमानों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में 33,000 सामान्य शिक्षक रीट के साथ 6,000 प्रथम श्रेणी और शेष पदों पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होनी प्रस्तावित है। पिछले सात सालों से शारीरिक शिक्षकों के हजारों पद प्रदेश में खाली पड़े हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने वाले शारीरिक शिक्षकों का स्वयं भविष्य बेपटरी हो रहा है। तो आप देख सकते हो मित्रों, नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक स्कूल में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। वर्ष 2013 में सेकंड ग्रेड शारीरिक शिक्षकों की अंतिम बार भर्ती निकली थी। वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षकों के प्रदेश में 5094 पद खाली पड़े हैं। राज्य सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना भी खेलों को बढ़ावा देने की बात लगातार कर रहे हैं। आंदोलन की चेतावनी आप देख सकते हो, शारीरिक शिक्षक भर्ती को लेकर कई बार मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीपीएड अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो पीटीआई भर्ती में बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड के पदों की। 285 फर्स्ट ग्रेड के पद स्वीकृत हैं, कार्यरत हैं टोटल पीटीआई 38 और रिक्त पड़े हैं 247 पद। पीटीआई सेकंड ग्रेड की बात करें तो 4268 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 2421 पदों पर कार्यरत हैं पीटीआई, जबकि 1847 पद अभी भी खाली पड़े हैं। पीटीआई थर्ड ग्रेड भर्ती 19,150 पद इसमें स्वीकृत हैं, टोटल 16,150 पीटीआई कार्यरत हैं, लेकिन 3,000 पद अब भी खाली पड़े हैं। टोटल जो स्वीकृत पद हैं जो पीटीआई भर्ती में फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड तीनों को मिलाकर 23,703 हैं, लेकिन कार्यरत हैं 18,609। 5,094 टोटल पद जो हैं अभी भी पीटीआई भर्ती में खाली पड़े हैं। तो मित्रों, ये पीटीआई भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट है आपके सामने। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको इस भर्ती से संबंधित नई अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।